आपकी बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है वो होता है कैल्शियम, और आपकी बॉडी को सही तरीके से काम कराने के लिए कैल्शियम को लेवल में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके ब्रेन से, अगर हम स्टार्ट करें तो आपके ब्रेन में होती हैं नर्व्स, और नर्व्स जो होती हैं वो सिग्नल्स को रिसीव करती हैं और सेंड भी करती हैं, और ये ढंग से तभी काम करेंगी जब आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल सही होगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं आपकी हार्ट बीट की, तो अगर आपकी हार्ट बीट को आपको नॉर्मल रखना है तो आपके कैल्शियम लेवल को आपको नॉर्मल रखना ही होगा। तीसरा, अगर आपको कोई चोट लग जाती है या फिर आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं रही है, तो उसका एक कारण आपका कैल्शियम लेवल सही ना होना भी हो सकता है। तो आपकी ब्लड क्लोटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल होता है वो होता है कैल्शियम। अगर हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हॉर्मोन सही लेवल पे निकले, वो सही सुचारू रूप से काम करें, तो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम। यहाँ तक कि आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम। आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए, आपके दांतों की सुरक्षा के लिए, आपकी दांतों की मजबूती के लिए आपकी कैल्शियम लेवल को नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि खाने पीने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप अपना कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। कैल्शियम लेवल को नॉर्मल रखने के लिए ये तो सभी जानते हैं कि दूध पीना बहुत आवश्यक है, दूध पीना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कैल्शियम लेवल से भरपूर होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम लेवल बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम जो लेवल्स हैं, अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें दूध तो आ गया, उसके साथ साथ आप दही भी ले सकते हैं, दही के साथ साथ छाछ यानी कि बटर मिल्क भी आप ले सकते हैं, और साथ में चीज़। इन चारों का सेवन आप अच्छे से कीजिए, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी बॉडी में लगभग आपको 600 मिलीग्राम विटामिन डी डेली चाहिए। इसलिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ लेना बहुत जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप दूध बच्चे को देते हैं, अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है, तो आप उसको होल मिल्क दीजिए। होल मिल्क माने कि उसके अंदर फैट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 4% फैट जो है आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है तो आपको जो है फैट की मात्रा उसमें कम करनी है, यानी कि 1 से 2% पे उससे ज्यादा फैट आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते। इसलिए जब आप अपने बच्चे को दूध देती हैं और आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है, तो आप कोशिश कीजिए आप दूध को गर्म करके उसकी मलाई आप हटा लीजिए, और अगर आप मलाई हटाती भी हैं तो निश्चिंत रहिए कैल्शियम लेवल पे उसका कोई असर नहीं आएगा। कैल्शियम जितना आपके बच्चे को मिलना चाहिए उस दूध से वो मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनको दूध या तो पीना पसंद ही नहीं है, या फिर अगर वो दूध पीते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, या जैसे कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है? लैक्टोज एक तरीके की शुगर होती है दूध के अंदर, जिससे कई लोग इंटॉलरेंट होते हैं। इंटॉलरेंट मतलब उनको दिक्कत हो जाती है, या तो उनको उल्टी आ जाती है या फिर किसी तरीके की एलर्जी उनको हो सकती है। तो ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोग अगर वो वेजिटेरियन हैं तो आप अपने खाने पीने में हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। हरे पत्तेदार सब्जी जैसे कि सरसों का साग वो लें, या फिर शलगम की सब्जी बना कर लें, या फिर वो गोभी ले सकते हैं, वो अपने खाने में ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं यानी कि बादाम ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, ब्राजील नट्स अपने खाने पीने में ऐड कर सकते हैं, या फिर वो अपने खाने पीने में ऐसे फूड एंड ब्रिवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कैल्शियम फोर्टिफाइड होते हैं, यानी कि उनके अंदर कैल्शियम मिलाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऑरेंज जूस ऐसे होते हैं, सोया मिल्क के अंदर, टोफू के अंदर, इन सभी के अंदर कैल्शियम को मिलाया जाता है, तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने खाने पीने में कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने खाने पीने में सार्डन्स फिश, सैल्मन फिश और साथ में एग योक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी मिलेगा, जो आपको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, और कैल्शियम को एब्जॉर्ब तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होना है। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, प्लस वो नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, प्लस उनको हरे पत्तेदार सब्जियां खाना भी पसंद नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़रूर लेना होगा। लेकिन ध्यान रहे, आप ऐसा कैल्शियम सप्लीमेंट लें जिसके अंदर विटामिन डी भी मौजूद हो।
आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अपने आगे आने वाले एपिसोड में मैं ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी भी बीमारी से रिलेटेड, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।